जिला धौलपुर में निर्बल असहाय एवं अनुसूचित जाति आदि के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज समता सैनिक दल, अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद, युवा जाटव विकास समिति, अखिल राजस्थान जाटव महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, कोली महासभा आदि के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं महामहिम राज्यपाल महोदय को श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि जिला धौलपुर में लगभग 2 वर्षों से अत्याचार की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। दिनांक 12 अगस्त 2021 को पंचायत समिति बसेड़ी के विकास अधिकारी मदन लाल बैरवा के साथ जो दबंग लोगों ने जानलेवा हमला किया, उसकी सभी संगठन घोर निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं जिन लोगों ने हमला किया उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए तथा कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। जिला प्रशासन के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाए, जिससे निर्बल असहाय एवं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ आए दिन जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि बसेड़ी पंचायत समिति में लगाने वाली पशु हाट में जिन लोगों ने 7.50 करोड़ का घोटाला किया, उसकी राज्य सरकार निष्पक्ष जांच करवा के दोषियों से वसूली कराने की मांग करते हैं। अभी हाल ही में गांव अफदलपुर, कासिमपुर, कैलाशपुरा, पूठपुरा, बसेड़ी आदि गांवों में दबंगों द्वारा जो घटनाएं की हैं उसमें पुलिस प्रशासन ने लीपापोती करके उनको दबाने का प्रयास भी किया है, तो इन प्रकरणों पर भी निष्पक्ष जांच कराने की संगठन मांग करती है। दिनांक 15 अगस्त 2021 को नादनपुरा थाने के ग्राम विजय के पूरी घटना में फूल सिंह जाटव के साथ गुजर समाज के अपराधी किस्म के व्यक्ति देशराज, एसवीर, लोकेंद्र, भारत, सरोजन पुत्रगण, हेम सिंह ने जानलेवा हमला किया। फूल सिंह को इतनी चोटें आई कि उसे राजकीय चिकित्सालय धौलपुर से जयपुर रेफर कर दिया गया, जो कि कोमा में है। सभी संगठन राजस्थान सरकार एवं धौलपुर प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर लगाम लगानी चाहिए तथा आपराधिक लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करावे। ज्ञापन में रमेश चंद साहू, डॉक्टर शिवचरण सिंह, विनोद कंचन, रोशन लाल बौद्ध, कप्तान सिंह, जल सिंह, पप्पू सोनी, मांगी लाल आर्य, अरविंद रजक, कुमार सिंह, कैलाश सिंह, राजवीर सिंह सोलंकी, महेंद्र सिंह, सुरजीत सिंह, मुन्ना लाल, मेघ सिंह, अनिल धारिया, रतिराम मौर्य, अनित कुमार, विजय घटियालवाल, भगवान दास, राजवीर, संतोष कुमार, राजेश, कुमार सिंह सिरोही, लोकेंद्र, धर्मेंद्र, सुनील आदि सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई। मदनलाल बैरवा साहब वीडियो बसेड़ी के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो ठाकुर जाति से बिलोंग करते हैं उन्होंने उनके घर पर तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई, बच्चों से अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज किए, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। वो जो दबंग कैटेगरी के लोग हैं, अत्याचारी हैं, वो 2 साल के उनका पशु हाट का ठेका लिया था। उस पशु हाट के ठेके को उन्होंने अनवरत 15 साल तक चलाया। उसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होती है। उसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया था। माननीय विधायक महोदय को शिकायत की गई थी। विधायक महोदय ने वहाँ एसडीएम साहब को कहा कि भाई आप इसकी जांच करवाइए। एसडीएम साहब ने 3 सदस्य कमेटी बनाई जिसमें बीडीओ साहब को, तहसीलदार जी को और एक पशु चिकित्सक को उसमें रखा गया। उस कमेटी ने रिपोर्ट की कि ये 13 साल से अवैध रूप से ये पशु हाट लगाई जा रही है, जिसमें लगभग 7 करोड़ से अधिक का गबन का मीटर बनता है। उस बात को लेकर के बसेड़ी बीडीओ साहब के ऊपर उन्होंने उनको डराने धमकाने के एवज में, डराने धमकाने के लिए उन्होंने मतलब उस पर गाली गलौज और उनको मारपीट और उसका काम किया। इसमें हम ये मांग करते हैं कि ऐसे अत्याचारियों को जिनके लीडर ब्रजराज सिंह परमार हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और अत्याचारों पर रोक लगे। शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे हैं। अभी नादनपुर का एक अलग ही केस है, उसमें गुजर समुदाय कुछ लोगों ने फूल सिंह जाटव था उसको मतलब उस पर धारदार हथियारों से हमला करके जहां